जनवरी 2017 से देय वेतमान जारी न करने व निगम को विभाजित कर नई टावर कंपनी बनाने के निर्णय के विरोध में बीएसएनएल अधिकारी व कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल की। इस हड़ताल में धर्मशाला में कर्मचारी संगठन बीएसएनएल, कर्मचारी यूनियन नेशनल टेलीकॉम फेडरेशन एसएनआईए और अन्य संगठन के सदस्यों ने भाग लिया। 2 दिवसीय इस हड़ताल के दौरान अधिकारी व कर्मचारियों ने चीलगाड़ी स्थित महाप्रबंधक कार्यालय में एकत्रित होकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। राजस्व जिला कांगड़ा और चंबा स्थित बीएसएनएल के सभी दूरभाष केंद्रों, एनटीआर व रखरखाव के कार्य और प्रशासनिक कार्यालय बंद रहे। इस अवसर पर धर्मशाला एनएफटीई के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र गौतम ने बताया कि 2 दिवसीय हड़ताल की शुरुआत मंगलवार को की गई थी और ये बुधवार को खत्म हुई। उन्होंने कहा कि हालांकि हड़ताल को टालने के लिए उपरोक्त मांगों को लेकर मामला उठाया गया था, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम ना मिलने पर अधिकारियों ने हड़ताल की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को जल्द नहीं मानती है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। सर, आप जो आपकी स्ट्राइक थी, क्या मुद्दा था? हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं अखिल भारतीय स्तर पर, वो हैं, एक तो कर्मचारियों का वेतन का पुनर्निर्धारण और दूसरा है जो सरकार जो एक सब्सिडी टावर कंपनी बनाने जा रही है बीएसएनएल को तोड़ के, हम ये कहते हैं कि उसको ना तोड़ा जाए और इसको बीएसएनएल में ही रहने दिया जाए कि उसका अच्छा कार्य चल यहाँ से हो रहा है प्रबंधन, तो उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो बीएसएनएल को डैमेज करेगा, तो उसको हम भारी संख्या दल बल के साथ उसका विरोध कर रहे हैं। ये हमारी अगला स्टेप क्या होगा आपका? देखिए, हमने जो इसका एजिटेशन का कार्यक्रम दिया था उसमें ये हमारा 2 दिन की हड़ताल का आया था। पहले इससे पहले हमने सांकेतिक धरने प्रदर्शन किए, उसके बाद ये निर्धारित थी 2 दिन की हड़ताल, इसको भी हमने सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों के कारण रखते हुए या लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए डेफर किया था। और एक बार डेफर करने के बाद आज 2 दिन की हड़ताल की थी, तो हमें लगता नहीं कि सरकार ऐसे स्थिति में हमें लाएगी या खुद भी ऐसी स्थिति में जाएगी जहां हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़े। तो अगला कदम हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, पर फिर भी अगर सरकार ऐसा हमें मजबूर करेगी तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है उस पर जाना पड़ेगा। थैंक यू।